पढ़ क्या रहे थे? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या होता है तो जानते हैं ना, इससे पहले आपने पढ़ा था क्या? स्वर। स्वर आपने पढ़ लिया। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या होते हैं तो हम आपको बताए थे कि वे वर्ण, स्वर को हमने, स्वर हमने आपको बताया था कि वे वर्ण जिनका उच्चारण आप क्या करते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं अर्थात जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की जरूरत नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वर कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन की बात करो, ये वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की, दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है, सहायता ली जाती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं अर्थात आप ये कह सकते हैं कि व्यंजन का उच्चारण करते समय हम किसकी सहायता लेते हैं? स्वर का। हम किसकी सहायता लेते हैं? स्वरों की सहायता लेते हैं, तभी तो हम व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 33। अर्थात प्रकार नहीं कहेंगे, इनकी संख्या कहेंगे कितने होते हैं, तो 33 आपके क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या होती है। अब कौन कौन से व्यंजन होते हैं तो आप जानिएगा, आपके हिंदी वर्णमाला में का वर्ग होता है, ठीक ना, खा वर्ग होगा, का वर्ग, उसके बाद चा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग, उसके बाद पा वर्ग। पांच वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? पांच पांच। का वर्ग में कौन सा? का, खा, गा और घा, उसके बाद अंगा। तो एक वर्ण, दो वर्ण, तीन, चार और पांच। प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण होते हैं। चा वर्ग में बात करोगे, चा में कितने होते हैं? चा, छा, जा, झा और या। टा वर्ग हो, टा, सॉरी यहाँ टा होना चाहिए था, टा होगा, इसके बाद यहाँ ता होगा जी, टा, था, गा, धा और ढा। टा वर्ग की बात करेंगे, ता, था, गा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। तो ये आपके पांच वर्ग, और पांचों वर्ग में प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? पांच पांच होते हैं और पांच पांच वर्ण होते हैं। तो पांच वर्ग और पांच पांच वर्ण मतलब कितनी संख्या हो गई? 25। 25 आपके क्या हो गए? 25 आपके हो जाएंगे क्या? 25 वर्ण आपके होते हैं। और अभी ये 25 वर्ण होते हैं और इन 25 वर्णों को हम क्या बोलते हैं? अस्पर्शी। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अस्पर्शी व्यंजन। इनको कहा जाता है अस्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? अस्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अस्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। प्रत्येक वर्ग, पांच वर्ग और प्रत्येक वर्ग में कितनी कितनी संख्या? पांच पांच। पांच वर्ग होते हैं और पांच, और इसमें क्या होती है? पांच पांच वर्ण होते हैं। तो 25 संख्या कितनी कितनी हो जाएगी? अस्पर्शी। अब बात करते हैं इसके आगे व्यंजन में, दूसरा जो होता है अंतस्थ। दूसरे जो व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। दूसरे व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ। दूसरे व्यंजन जो होते हैं, दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है कौन सा? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती कितनी? चार। कौन कौन से होते हैं? या, र, ल और वा। ये आपके क्या होते हैं?
हिंदी वर्ण वाला में ये भी चार व्यंजन होते हैं जो होते अंतस्थ। ये होता आपका दूसरा व्यंजन में एक पहला प्रकार कौन सा हो गया आपका स्पर्शी, दूसरा क्या हो गया अंतस्थ, तीसरा पढ़ेंगे आप तीसरा होता है आपका कौन सा, तीसरा आप कहेंगे ऊष्म व्यंजन, तीसरा आपका होता है ऊष्म व्यंजन। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं इनकी भी संख्या कितनी होती है चार, कौन कौन से होते हैं श श और स उसके बाद हा, ये कैसे होते हैं ये भी आपके चार प्रकार के होते हैं। तो 25 यहाँ चार ये और चार ये, 25 चार 29 और 29 चार 33, कुल संख्या कितनी हो गई वर्ण वाला की 33, और 33 आपके सामने है। इनको क्या कहेंगे कावर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग और कावर्ग। अब इसमें एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी जानता है ये कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, पांच वर्ण है, पांच वर्ण पांच वर्ग और प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण। अब इसमें से अभी आप जानेंगे जैसे हम पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार, और व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो जो व्यंजन के प्रकार होते हैं अभी पढ़ोगे आप घोष के आधार पे, या आप कहोगे किसके आधार पे मतलब घोष के आधार पे, घोष के आधार पे दो प्रकार के, एक सा घोष दूसरा आ घोष, दूसरा पढ़ोगे कंपन या सॉरी कंपन नहीं प्राण वायु या मुख से निकलने वाली हवा के आधार पे, तो उसमें कितने प्रकार के होते हैं, उसमें भी आपका होता दो प्रकार का, कौन कौन सा, एक होता अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। जो अल्प प्राण होता है और महाप्राण, तो अभी आप इन्हीं वर्णों में से आपके अल्प प्राण ढूंढने होंगे और इन्हीं वर्णों में से हमें क्या घोष और आघोष पढ़ने होंगे। तो अभी आपको यह जानना है कि प्रत्येक वर्ग में कितने पांच पांच वर्ण आपके होते हैं, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, तो इसी के ऊपर हमें क्या करना है चर्चा करनी है। तो ये चीजें आप नोट करिए, इसके आगे जस्ट अभी क्या पढ़ते हैं व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है ना, व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन के वर्गीकरण में पढ़ेंगे व्यंजन होते कितने प्रकार के, उसके आधार पे पढ़ेंगे व्यंजन के वर्गीकरण में आप पढ़िएगा घोष या कंपन के आधार पे व्यंजन के का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण नोट नहीं किए थे क्या, व्यंजन का वर्गीकरण। और व्यंजन के वर्गीकरण में आप पढ़ेंगे पहला जो इसका टाइप है दूसरा दूसरा प्रकार उसमें पढ़ेंगे घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन। अब घोष या कंपन के आधार में जो व्यंजन होते हैं, सबसे बड़ी बात ये जानिएगा घोष जो बात करोगे घोष की, घोष या कंपन कहां होगा आपके स्वर तंत्र में होगा, अर्थात स्वर तंत्रों में जब आप कुछ कोई वर्ण बोलते हैं तो क्या होता है कंपन होता है। एक तरीके से आप कहिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है ना, घोष होता है जब आप बोलते हो तो वाइब्रेशन कह रहे मतलब गूंज के तरीके से आवाज निकलती है। अब वो जो आवाज घोष या कंपन के आधार पे जो वर्गीकरण मतलब व्यंजन का वर्गीकरण हम करते हैं वो कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है आपका दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, तो घोष या व्यंजन के आधार पे, घोष या कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला बात करके आप सघोष व्यंजन, और दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा आपका होता है अघोष व्यंजन। एक तो सघोष और दूसरा अघोष। अब सघोष व्यंजन क्या होते, कौन से होते हैं, और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, साघोष और आघोष। तो सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए सघोष व्यंजन हेडिंग डाल के हम लोग क्या, उनसे सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन जो होते हैं जी प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तथा
तथा अंतस्थ 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 व्यंजन सघोष व्यंजन होते हैं। ये इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि प्रत्येक वर्ग का आपके पास वर्ग कितने पांच पांच वर्ग में और पांच प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण पांचवा यहां पर एक वर्ण होना चाहिए तथा नहीं यहां वर्ण उसके बाद आप लिखेंगे तथा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। कहने का मतलब यह है कि अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा अब आप इसी इसलिए यही लिख देते हैं स्पर्शी वाले जो व्यंजन होते हैं वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग का अगर का वर्ग की बात करोगे तो तीसरा चौथा और पांचवा तीसरा कौन सा गा धा और अंगा। अगर आप बात करोगे का चा वर्ग में इसमें आपका कौन सा होगा जा झा और या। यही लिख देते हैं प्रत्येक वर्ग का वर्ग में आप बात करोगे गा घा अंगा चा वर्ग में जा झा या। उसके बाद आपका आएगा टा वर्ग में गा धा अड़ा टा वर्ग में दा धा और न पा वर्ग में बा भा मा। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह तो आपके क्या हो गए सघोष पंद्रह तो आपके वर्ण पंद्रह पंद्रह वर्ण तो आपके किससे हो गए वर्ग से पंद्रह तो आपके किससे हो गए वर्ग से। और इसके साथ साथ आप एक चीज और भी जानिएगा एक चीज और है कि इसमें अंतस्थ के साथ आपका एक कौन सा वर्ण और जुड़ा होता है हावर्ण जो जो आपके किसका होता है उष्म का हावर्ण भी इसमें आता है। अर्थात पंद्रह तो आपके ये हो गए प्लस चार आपके अंतस्थ चार आपके अंतस्थ वाले कौन से है या रा ला और उसके बाद हुआ। और इसके साथ साथ एक वर्ण आपका उष्म वाला आएगा उष्म वाला वर्ण कौन सा होता है हा। तो पंद्रह और ये पांच टोटल संख्या कितनी हो गई तो सघोष रंजन की कुल संख्या कितनी होती है बीस होगी। सघोष रंजन की कुल संख्या कितनी बीस सघोष रंजन में कुल संख्या बीस होती है। और ये देखिए आपके सामने प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण साथ में अंतस्थ और उसके साथ उष्म का एक उष्म वर्ण का एक व्यंजन उष्म का कौन सा उष्म व्यंजन का एक वर्ण कौन सा है हा वो होता है अर्थात कुल संख्या कितनी हो गई बीस। तो कुल संख्या बीस होती किसकी सघोष की तो कुल संख्या सघोष की होती है 20। अब बात करेंगे हम अघोष की संख्या कितनी हो जाएगी यदि सघोष की संख्या कितनी है 20 तो आपके अघोष की संख्या हो जाएगी 13 क्योंकि टोटल जो आपके पास व्यंजन है वो कितने हैं 33। तो बस आपको यही पढ़ना है कि अघोष वाला कौन सा होता है। अब अघोष कौन कौन से होते हैं जो तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष है प्रत्येक वर्ग का तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का नोट हो गया ना ये जी ऊपर से हटा देते हैं ऊपर हटाते हैं और क्या डालते हैं अघोष व्यंजन। अघोष कौन से होते हैं अघोष व्यंजन कौन सा होता है तो प्रत्येक वर्ग का आपके पास पांच वर्ग प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा उष्म व्यंजन के प्रथम तीन वर्ण लिख देते हैं आपका श स और स अघोष व्यंजन कहलाते हैं कौन कौन से होते हैं भाई प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा
प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तथा व्यंजन के प्रथम कितने तीन वर्ण। तीन वर्ण में कौन सा होगा? सा 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 और सा। ये आपके क्या होते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। संख्या कौन सी है? कौन कौन से है भाई प्रत्येक वर्ग का हो जाएगा? खा होगा। उसके बाद दूसरा आपका चा होगा, छा होगा। उसके बाद आपका कौन सा होगा? टा होगा, ठा होगा। फिर ता होगा, था होगा, पा होगा और फा होगा। तो मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस। पांच तो पांच गुनाई दस मतलब पांच वर्ग और प्रत्येक वर्ग का दो, तो मतलब पांच गुनाई दस, दस तो ये हो गए आपके कौन से वर्ग वाले। प्लस आपका कौन सा? तीन। ये सा सा और सा, अर्थात आपकी संख्या कितनी हो गई? टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? तेरह। तो ये कुल संख्या हो गई कितना? तेरह। तेरह आपके क्या हो गए? आघोष। और बीस आपके क्या हो गए? सघोष। तो कुल संख्या भी तैतीस है और तैतीस में आपने पढ़ा कौन सा? सघोष और अघोष। सघोष क्या हो गए और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये आपके कैसे हैं? सघोष और अघोष। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? किसके आधार पे? उसके बाद पढ़ते हैं मुख से निकलने वाली हवा या प्राण वायु के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण। तो ये नेक्स्ट चीजें कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं, ठीक ना।